ऐसा लग रहा है हम बिल्कुल लाइक रिवर के बीच में खड़े हुए हैं। वैसे गहरा है पानी, बट यहाँ पे नहीं, सब बंद है यहाँ पे, कुछ भी नहीं खुला हुआ। फीलिंग जस्ट बात बदल गए, सब ऐसे खड़े होकर नहीं देख रहे हैं। Ya soy alguien batallé bastante desde morro bien movido, las cosas salieron bien. इतने मस्त गुड मॉर्निंग हुई है। देखो पता है मैं सुबह उठी थी, बीच में मेरी आँख खुली थी, यहाँ पे सारा पानी चला गया था, मतलब पानी नीचे हो गया था, ऐसे जमीन दिख रही थी, लिटरली ऐसे लग रहा था चल सकते हो तुम, अभी भी थोड़ा सा दिख रहा है उस साइड, एंड बारिश हो रही थी, इतना सुंदर नजारा था वो, और ये लाइट भी जल रही थी इस कोकोनट ट्री की, अब बंद कर दिया है। उठ गए अब हम, फाइनली हमारा है ब्रेकफास्ट का समय, हम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने वाले हैं बिल्कुल ऐसे व्यू के साथ। ओए होए, आंखें नहीं खुल रही है लेकिन बढ़िया, ब्रेकफास्ट आ गया। ये तो बहुत सारे सांबर या फिर चटनी है आई गेस ये, और ये है रवा मसाला डोसा और अनियन टोमेटो उत्तपा। सोनिया ने मंगवाया सब कुछ, सोनिया टू द रेस्क्यू। मैंने बनाया नहीं, मैंने बस मंगवाया। हम कौवे बिल्ली कुत्ते सब अट्रैक्ट कर रहे, इतना सा पीस रखा हुआ था डोसे का और वो सब उठा के ले गया डॉगी फाइनली। अच्छी बात है, उसका पेटू भरेगा थोड़ा सा। चल मनी जल्दी काम कर, खत्म होना, शुरू भी नहीं हुआ है। सवारी अपने सामान की खुद ही जिम्मेदार है, हम पूरा घर ही उठा के लेके चलते हैं हर जगह। हमने ड्रोन, फोन, कैमरा हमारे हाथ में ही है, और गोप्रो, ट्राईपॉड, और मन्नी और मैं, हम कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। हेलो मन्नी जी, स्मार्ट हैंडसम बॉय लग रहा है आज। लाइट बंद करके, तो इस तरफ है हमारे बैकवाटर और इस तरफ है बीच, पूरा सी दिखता है यहाँ से, हम बीचों बीच रह रहे हैं। तो आज हम ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे तीन रिवर्स सी के साथ मिलती है जाके। ये आ गए हम बिल्कुल एंड पॉइंट पे, डेल्टा पॉइंट कहते हैं शायद इसे। यहाँ पे तीन रिवर्स मिल रही हैं। तो ये जो रोड है ना, पूरी कोड़ी बैंगड़े कहते हैं इस रोड को, सब बंद है यहाँ पे, कुछ भी नहीं खुला हुआ। और यहाँ पे इतना बढ़िया जगह थी बैठ के खाओ के, बट मेरे ख्याल से टूरिस्ट कम है तो शायद बंद भी है, या फिर लोग आते ही नहीं है। चलो मनी टूरिज्म बढ़ाओ। आज भी हम वहीं आ गए जहाँ हम कल शाम को आए थे। ये बहुत बढ़िया जगह है, बेस्ट शेक है, बिल्कुल ऊपर छत पे सेकंड फ्लोर पे बैठ के खाना खा। तो वैसे हमें यही खुला हुआ मिल रहा है यहाँ पे ना, और हमें यहाँ बेस्ट प्लेस लग रही है, बहुत ही शांति है, सामने व्यू दिख रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और क्या चाहिए। ये है चमत्कारी टोडी, इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स भी है लिटरली। थैंक यू भैया। ये मेन्यू है ना, इसी में ही पीछे ये याद कर लो, पेपर आएगा इसका, 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसके बेनिफिट्स दे रखे हैं टोडी के जो कि बहुत सारे हैं। बेसिकली ये ना थोड़ी स्वीट और लेमनी, लाइक अगर तुम स्मेल कोकोनट की ना सोचो ना, तो बिल्कुल ऐसा रहेगा तुम फ्रेश लाइम सोडा पी लो, सेम वैसा ही फ्लेवर आता है। मतलब बेसिकली ये कोकोनट वाली दारू है, कोकोनट से बनी दारू। चीयर्स। वाइन। जो हमारे ओनर है वो, जो मतलब इस जगह के ओनर है हमारे वो हमें लेने आ रहे हैं, और फिर हमें वो कयाकिंग करने हैं, मतलब इसके आगे वाले एरिया में लेके जाएंगे। यहाँ पे पानी, यहाँ पानी शायद थोड़ा लो है, इसलिए और ज्यादा आगे जाके कयाकिंग करने चलते हैं। जल्दी प्लान चेंज हो गया, कैमरा बंद करते ही ओनर का कॉल आया, अब हम उन्हें मिल रहे हैं रस्ते में। यस मन्नी, इतने सारे पिकॉक किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ये मस्त एंजॉय कर रहे हैं यार नेचर का, कितना सुंदर लग रहे हैं। अब सोनिया स्कूटी चलाएगी हमारे लिए, आराम से चलाइए भाई, मेरे को पकड़ो, मेरे को डर लगता है। मैं पहली बार बैठा हूँ सोनिया के पीछे स्कूटी पे। हम भी पीछे है तुम्हारे, आराम से चला। पहुंच गए, ये पैकिंग करेंगे। समझ लिया तूने सब? तेरे ऊपर ही नहीं है मेरी तो, लास्ट स्लीपर्स थे बाद में पैर रखना, बैठा बैठा आराम से। ओके मस्त कयाकिंग कर रहा है क्या?
मेरी नाव मन्नी सहारे मन्नी चला रहा है अभी तो, जब तक मेरे हाथ में कैमरा है। मस्त मजा आ रहा है यार, ये बहुत ही ज्यादा पीसफुल। हम बिल्कुल मैनग्रूव के बीच में कर, ओ देख मछलियां भी ऐसे ऐसे, सो मच फन। मेरे को बहुत ही डर लग रहा था, पता नहीं कैसे करूंगी। स्टार्टिंग के 5 मिनट मुझे पता भी नहीं चला कि हम ही कर रहे हैं अकेले, मुझे लगा पीछे भैया बैठे हुए हैं। पता नहीं क्या ही मैंने दिमाग लगाया, हम खुद से कर रहे हैं। ओ माय गॉड, मस्त मन्नी मस्त राइड करवा तू मेरे को। ऐसे ही बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम बिल्कुल लाइक रिवर के बीच में खड़े हुए हैं। वैसे गहरा है पानी बट यहाँ पे नहीं। कोई नहीं मन्नी, कोई नहीं मालिक, मैं आपको तट पर लेकर जाऊंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डरने वाली बात नहीं है। इतनी देर से मैंने ही चलाई है बस। नहीं नहीं, मैं लेके जाऊंगी आपको, ऐसे कैसे बोल दिया आपने। एक सेकंड, शाबाश, फोन नहीं किया इसने उतर तो, मैं नहीं कुछ कर सकता अगर ये कंटेंट नहीं बना। देखो भैया जैसे उतरेंगे वैसे ही मन्नी उतरा था। ये है मन्नी का पसीना, पूरा पसीना किया मन्नी ने आज। सोचा था वेकेशन पे है लेकिन हम है पता नहीं क्या कर रहा। जोन 51 कोडी सालिग्राम, तो जोन 51 कोडी सालिग्राम है, जरूर आना, यहाँ पे बहुत मजा आया हमें। भैया ने इतनी ज्यादा हेल्प करी फर्स्ट टाइमर्स के लिए भी, थैंक यू भैया। तो अभी हमने कायाकिंग करी और उसके बाद भैया ने हमें अपनी स्कूटी के पास छोड़ दिया और अब हम आ गए सी वॉक की तरफ। और इसका क्या मस्त सनसेट दिख रहा है यहाँ से, कच्ची कैरी। मजा आ गया, बहुत यम्मी है। हाँ बढ़िया चीज़ मिल गई। ये बिल्कुल ही पानी के पास पार्क जैसा कुछ लगा लो, लेकिन व्यू जो है ना यहाँ का कुछ अलग ही है। यहाँ बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो, वहाँ तक जा सकते हम पत्थर पे चल के। प्रॉपर स्टोन से बना हुआ है और एक्चुअल में सी वॉक है, हम सी पे वॉक कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पे भी सी और इधर भी सी। ऐसा लग रहा है हीरोज घर आ रहे हैं वापस, बिल्कुल ऐसे फीलिंग, जस्ट बात बदल गए, सब ऐसे खड़े होकर इन्हें देख रहे हैं, क्रेजी फीलिंग। ओनली 90s किड्स रिमेम्बर दिस। अरे क्या हो गया मेरी जान को। हम आ गए हैं सेम ही जगह पे जो हम कल भी आए थे, आज दिन में भी आए थे, रात को भी आ गए। ये प्लेस हमें दी बेस्ट लग रही है। आसपास हम लोकल में ट्राई कर रहे हैं लाइक स्ट्रीट फूड वगैरह, बट मेन स्नैक्स और यू नो लाइक मेन कोर्स के लिए हम यहीं पे आ रहे हैं, क्योंकि बहुत ही मस्त है भैया। ये देखो कैटी है, आज लास्ट थोड़ी पी रही है। मेरे को लग रहा है हम टेस्ट के नाम पे लाइक नई चीज़ें टेस्ट करते हैं, ट्राई करते हैं कि नाम पे हमने इतनी सारी चीज़ें मंगा ली है और सारी स्वाद है, हाथ ही नहीं रुक रहा है, मुंह भी नहीं रुक रहा है। ऐसे तो कोई भी प्यार नहीं करवाती बिल्ली, पहली बार करवा रही है। ये देखो बुला रही थी म्याऊं म्याऊं करके, छोटू प्यारू बिल्लू। फाइनली चिल टाइम, हम अपने रूम में वापस आ गए हैं। वैसे कल हमें सुबह जल्दी जल्दी निकलना है, लेकिन वो हम कल देखेंगे, अभी ऐसे कोई प्रेशर नहीं है। अभी हम आराम से मस्त यहाँ बैठ के इंजॉय कर सकते हैं, चिल कर सकते हैं। सोचा नहीं था बट करते करते पूरा दिन हमारा काफ़ी बिजी रहा है, हमने काफ़ी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर की और घूमे। मेरे को यहाँ पे बहुत ही मज़ा आया इस जगह पे, लाइक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट इट्स कूल, इट्स फन। यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे, काफ़ी हेल्पफुल है, और हमारे बिल्लिया साथ में पीछे मस्त। और आओगे तो यहाँ जरूर रुकना, टुलुम कॉटेज, टुलुम कॉटेजेस, क्योंकि यहाँ पे ना तुम एंड ऑफ द डे बैठ के चिल कर सकते हो, तुम्हें मस्त ये व्यू दिखेगा।